सरदार जी, ये बताइए कि जो ये 200 लीटर की टैंकी है, इसको टूटी कैसे लगाएंगे? हाँ जी, कनेक्शन करेंगे इसमें सुराख मार के। अच्छा, कनेक्शन करेंगे, पहले सुराख लगाएंगे। सुराख कैसे लगाएंगे? इसके पाइप के साथ। जी, इस पाइप के साथ। कौन सा पाइप है ये? कौन सा पाइप है ये वाला? अच्छा, इसको गर्म करेंगे। इसको गर्म करेंगे। सुजीत जी, आप ऐसा कीजिए, आग जलाइए। अच्छा। ये गर्म करते हैं, ये पिघल नहीं जाएगा पीछे वाला? नहीं पिघलेगा। फिर सुराख करके ये टूटी थोड़ी क्या कहते हैं, 1 फुट के दूरी पे लगानी है। मतलब कि यहाँ लगानी है, यहाँ देखो ऐसे थोड़ा सा तो ऐसे लग जाएगी ना। ये कुछ लंबे बता रहा हूँ ना। हाँ, कुछ लंबा लगाओ। कुछ लंबा ही लगेगा। मतलब कि काफी लंबा हो गया ना? काफी लंबा। अच्छा ठीक है, ताकि लंबा हो ना, ताकि हम पानी आसानी से खींच सकें। आसानी से खींचो। ठीक है, ठीक है। ये आधा फुट हो गया। आधा फुट। चलो, आधा फुट बहुत है। चलो इसको गर्म कीजिए। आ जाओ सुजीत जी, पक्खा बंद कीजिए और लंबा करना, और लंबा कर दीजिए। काफ़ी है इतना? क्या और लंबा हो जाएगा? हो जाएगा लंबा और? देखो अगर हो तो। हाँ देखो कितना हो जाएगा। पक्का बंद कीजिए। हाँ, गैस चला लीजिए। ठीक है, फिर कहाँ आ जाएगी टूटी? यहाँ आ जाएगी जी। ठीक है, यहाँ आ जाएगी, थोड़ा पीछे आधा इंच पीछे चली जाएगी। चलो सही है, है ना? सही बात है। हाँ, कब भांडे इसको पीछे भी कर सकते हैं आप? हाँ ठीक है, ठीक है। आगे पीछे ठीक है, कर लो। ठीक ठीक ठीक। इसको गर्म कर लीजिए, कर लो। ठीक है, ठीक है। अब गैस पे हम इसको गर्म कर रहे हैं। चलाओ, कोई और माचिस ले। बहुत सारी माचिस पड़ी हैं। इसको सुराख करने के लिए यहाँ से कर दे इसका। हाँ, यहाँ कर दे ना, नीचे नीचे करोगे तो पानी पूरा हमने इतना लेके आया। मैं तो कहता हूँ और भी नीचे, यहाँ करना। फिर ऐसे हो जाएगी नीचे। अच्छा, यहाँ 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 होगी तो सीधी रहेगी, फिर पानी इतना खड़ा रहेगा। खड़े जाते अच्छी बात है। अच्छा, हाँ हिलेगी नहीं फिर जब पानी खड़ेगा। अच्छा ठीक है ना। ये गैस पे हम क्या गर्म कर रहे हैं? निप्पल गर्म कर रहे हैं। ये देखो निप्पल दे दो, जो निप्पल दो उसको गर्म कर। ये इसका साइज बड़ा नहीं है के बराबर? ये साइज है, एक ही साइज है इसका। एक ही है? हाँ एक ही है। ये देखो हम ये दोस्तों गर्म कर रहे हैं इसको सुराख कर, प्लास्टिक में सुराख करने के लिए। पहले निप्पल को कितनी देर गर्म करें? 10 मिनट लग जाएंगे। 10 मिनट गर्म कर, इसको जोर लगा के दबाना है। ये हो गया मोगा, बस हो गया, बस हो गया। इसको हमने लगा देना है। चाहे एक नट पीछे लगा देंगे, एक आगे, है ना? बीच में वाशल होगी। लीकेज तो नहीं करेगा? लीक तो नहीं करेगा। अच्छा, ऐसे हमने दबा देना है। कर दो कर दो। इसको जलाते हैं। किसी को कष्ट नहीं देना, ठीक है? ठीक हो गया, सब बढ़िया गया ना? बहुत बढ़िया हो गया। जितने मर्जी रख सकते हैं फिर बाद। अब इसको घुमा रहे हैं, टाइट कर रहे हैं, इसको टाइट कर रहे हैं। पीछे से एक नट लगा दो,
रेंच से दोनों को टाइट कर दो। ये क्या चीज है जो टाइट कर रही हो? ये चेक नट है। चेक नट बाजार से चेक नट मिल जाएगा, ठीक है। आप भी कर सकते हो दोस्तों, घर में आएगा। कितनी कॉस्ट पड़ जाती है प्लम्बर की? देखिए हल कर रहे हैं, स्पंदर से टाइट कर रहे हैं। रेंच से इसको टाइट कर देंगे चेक नेट को। ना अभी नहीं, पक्का नहीं चलाना क्योंकि हवा डिस्टर्ब करेगी। काम चल रहा है, जब तक काम सीधे नहीं लगेगा तब तक मज़ा नहीं आता, ठीक दोस्तों। टूटी लगा रहे हैं, देखिए एक बार इसको और टाइट करे तो अंदर से बाहर से धागा दो। ये धागा क्यों लगाते हैं? लीक से लगाते हैं, लीक नहीं, लीक नहीं होगा। सफेदा इसी वजह से होता है दोस्तों। देखो मिस्त्री जी को कितने साल का एक्सपीरियंस है मिस्त्री जी आपको? 30 साल का। क्या शुभ नाम है आपका? गुलजार सिंह को 30 साल का प्लम्बर का एक्सपीरियंस है। वो हमें अपना हुनर बता रही हैं कि कैसे ऐसे काम होता है। जो न्यू जनरेशन है, नए काम करने वाले, वो सीखें दोस्तों इस काम की। देखो बाजार में अच्छी कीमत मिल जाती है, 150 आप इस काम का ले सकते हो, ठीक है मिस्त्री जी। तो सीखोगे तभी ले सकते हो। ये दो छोटे औजार हैं, रेंच कहते हैं, इसको आपने टाइट कर देना है ताकि कल को शिकायत ना आए, क्योंकि लेबर भी खराब हो जाएगी अगर शिकायत आएगी कल को। देखो कैसे इन्होंने टाइट किया है इसको, वहाँ से यहाँ तक हमने किया। अब इसको इसमें डाल रहे हैं, पानी भरेंगे। दोस्तों ऐसे कसना होता है, अब देख लीजिए। आपको वो साफ सुथरा दिखा रहे हैं कैसे कस रहे हैं, कसने की ही कला है। ये देखो टाइट हो गई है। ये बार घूमेगा समझेगा बस की बार तो घुमा के बस ऐसे खड़ा देंगे, है ना। चलो अब इसमें पानी डाल के चेक करो कि लीकेज तो नहीं है। हाँ ले आओ पानी, लाओ एक बाल्टी भर डालो इसमें, ऊपर रख दे, साफ पानी डाल दो, ये डाल दो, कोई चक्कर नहीं। वो वहां से ऊपर से ले आओ टैंकी से,